हज़रत अल्लाह सुबहानो व ताला ने जब रूह का तारुफ कराया इंसान को, तो ये फरमाया कि कुल रूहु मिन अमरी रब्बी, कि ये कह दीजिए इंसानों से, इन लोगों से, कि रूह जो है बस मेरे रब का अमर है। गोया ये इशारा कर दिया कि रूह इतनी लतीफ़ और बारीक चीज़ है कि इसकी हकीकत तक तुम नहीं पहुँच सकते, बस ये अल्लाह का अमर है, इसको मान जाओ। और हज़रत हदीसों से भी यही पता चलता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र किया और वहाँ पे जो है रूह का इल्म हासिल किया, तो बड़ा मुख्तसर इल्म आपको वहाँ पे भी दिखाया गया। तो हज़रत फिर सवाल ये पैदा होता है कि यानी इस्लाम की मंशा तो ये है कि रूह का इल्म बड़ा कलील तौर पे हमें दिया गया है, लेकिन फिर हज़रत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान ने इतना सारा रूहानी इल्म कैसे जमा कर लिया अपने पास? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा, ये भी अच्छा पॉइंट है। असल में एक है रूह की हकीकत, जी एक है उसके हवाले से इलम, ठीक है, और उस रूह को संवारना, उसकी मनाजिल को तय करना, ये दोनों में फर्क है। तो रूह की जो हकीकत क्या है, वो हकीकत रूह की उसकी कुना, वो उसी कुना और हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह तबारक व ताला उसके बारे में फरमा दिया कि यह सलूना का नहीं रूह, ये रूह के बारे में आपसे सवाल करते हैं पैगंबर, कुल आप इनको कह दीजिए कि ये अमरे रब्बी है, ये अल्लाह के एक अमर है। अब इसकी हकीकत और कुना क्या है उस तक तुम नहीं पहुंच सकते। अगर हकीकत तुम्हें बताई भी जाए तो तुम्हारे दिमागों की सोच और फिक्र इसकी मुतामिल नहीं है। जी ये अब रहा रूह का रूहानी इलम, तो रूहानी इलम एक अलग चीज है, अलग चीज है। लिहाजा वो रूहानियत के मनाजिल तय करने के इलम है जो शरीयत की शक्ल में और तरीकत की शक्ल में अंबिया और औलिया से हम तक पहुंचता है, कुरान सुन्नत के जरिए से पहुंचता है। उससे जाहिर है कि वो रूह कि जिसकी हकीकत से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन उस रूह के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, उस रूह के लिए रोजा रख रहे हैं, उस रूह के लिए ज़कात दे रहे हैं, उस रूह के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जा रहे हैं, हालांकि उस रूह की हकीकत से हम वाकिफ नहीं है। तो लेकिन ये सारी की सारी इबादत उस रूह की खुराक बन रही हैं, अच्छा, उस रूह को नफा पहुंचा रही हैं। जी अब ऐसी जैसे हम सुबह शाम खाना खाते हैं, जी अब एक आम आदमी खाना खाता है, अब खाना खाने के बाद उस लुकमे का प्रोसेस अंदर क्या होता है उसको कुछ खबर नहीं है, नहीं, लेकिन उसकी बॉडी को नफा हो रहा है, फायदा पहुंच रहा है। जी मतलब एक डॉक्टर खाना खाता है, उसको भी खाना उतना ही फायदा देता है जितना एक आम आदमी को देता है। अब डॉक्टर खाता, उसको पता है कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से सारा फंक्शन हो रहा है, उसको भी उतना ही फायदा होगा जितना एक जाहिल आदमी खाना खाएगा। ये नहीं कि डॉक्टर को ज्यादा फायदा होगा, डॉक्टर सेब खाए तो ज्यादा फायदा होगा, आम आदमी खाए तो कम होगा, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल। मालूम है कि देखो इस अंदर की हकीकत से एक जाहिल आदमी जाहिल है, लेकिन वो जब खा रहा है नफा बराबर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से रूह की हकीकत से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत के हवाले से जो अंबिया और औलिया ने हमें उसके हकायक बताए, उस जब उस तरबियत के रास्ते में हम चलते रहते हैं, रूह को बेनिफिट होता रहता है, रूह अच्छा। कभी होती रहती है, अल्लाह का कुर्ब पाती रहती है, उसके अंदर तस्कीन और तमानियत पैदा होती रहती है, और वो तमानियत उसको पहुंचती रहती है। भले हम उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं, लेकिन हम अपने आसारे हकीकत से महसूस करते हैं। एक आदमी 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, जिक्र, अज़कार करता है तो अपने अंदर एक खास किस्म का नशात, एक सुकून, एक खास किस्म का एतमाद महसूस करता है। जी इसका मतलब है कि बेनिफिट हो रहा है रूह को, और अल्लाह पर एक ऐसा तवक्कुल एतमाद उस पर कायम हो जाता है, सारी दुनिया उसको नथिंग लगती है और खुदाई की जात को देखता है। अच्छा, तो बस तो यही मतलूब होता है कि उसकी हकीकत को क्या जानना चाहते हो, उसकी उसकी बनाने और संवारने का जो अमल है वो तुम करो, और वो इलम अल्लाह ने अम्बिया औलिया के जरिए फैला दिया हमारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हजरत, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये बारीक पॉइंट समझा दिया कि रूह की हकीकत तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता था, लिहाजा अल्लाह ने कह दिया कि बस ये अल्लाह का अमर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं रूह को नरिश करने की वो आपको अता कर दी गई हैं, बस वो इंसान पूरा करता रहे और मंजिल पा ले।